Hello and welcome friends. Today we are going to learn about a GIF image in HTML, how to create a GIF image in HTML and how to make a program in HTML related to GIF. So let's start this video. आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करेंगे। यहाँ से नोटपैड प्लस प्लस को मैंने ओपन कर लिया। आपके पास नहीं है तो इसको आप डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है। तो कोडिंग कैसे करनी है बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें HTML से शुरुआत करनी है, तो मैंने यहाँ HTML लिखा, देन यहाँ पे हेड आएगा, हेड पोर्शन, ठीक है। और इसके बाद हम टाइटल देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ। तो टाइटल है हमारा GIF प्रोग्राम, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। टाइटल को क्लोज करिए, यहाँ से मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे नीचे आके हेड को भी क्लोज कर देते हैं। हेड को क्लोज करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे बॉडी, ठीक है, यहाँ लगा दिया बॉडी, ठीक है। और इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर अब हमें अपना जो GIF इमेज है यहाँ पे लगानी है। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ टाइप करेंगे हम इमेज src, ठीक है, इमेज src, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे इमेज src इज इक्वल टू, जो इमेज है वो इमेज यहाँ पे आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम इस फाइल को सेव करते हैं उसी लोकेशन पे जहाँ पर हमारी GIF इमेज मौजूद है, तो उसी लोकेशन पे हमें ये सेव करनी है। तो ये HTML नाम से एक फोल्डर है, उसी में हमने सेव कर रखा है। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम को मैं फैन नाम दे देता हूँ। .html एक्सटेंशन लगाना ना भूलिएगा आप, यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर उस इमेज की प्रॉपर्टी कॉपी करनी है। तो आइए कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी इमेज मौजूद है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी को हम कॉपी करेंगे। जैसे ये इमेज है, पहले तो देख लेते हैं कि GIF कौन सा है, GIF देखने का तरीका क्या है। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए ये GIF लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये GIF इमेज बर्ड और यहाँ एक्सटेंशन भी इसका GIF है। तो ये GIF इमेज है। अगर GIF इमेज नहीं होगी तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे JPG इमेज है। तो आपको JPG इमेज नहीं लेना है, आपको GIF ही लेना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस फिगर को भी एक बार चेक करते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये भी GIF इमेज है, यहाँ .gif शो हो रहा है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है यहाँ से। तो ये राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टी को आप कर लीजिए कॉपी। ये मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये जो नेम है इसी को कॉपी कर लीजिए आप। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब आते हैं अपने प्रोग्राम पर। यहाँ पे हमें प्रोग्राम लिखना है अपना, ठीक है, वापस एक बार लिख लेते हैं यहाँ बॉडी, ठीक है। नीचे आएंगे इमेज src इज इक्वल टू डबल इंटेड कॉमा में आपको लिखना है, जो भी लिखना है किस में लिखना है, डबल इंटेड कॉमा में। तो यहाँ डबल इंटेड कॉमा में मैं लिखूँगा उसी इमेज की जो हमने कॉपी किया है, जिस इमेज को सोर्स फाइल को मैंने कॉपी किया है उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और .gif इसके आगे लगा देंगे, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन जो है .gif है। इसके बाद इसकी हाइट विथ जो भी देनी है उसको दे देंगे। तो यहाँ पे मैं देता हूँ हाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव हियर द हाइट ऑफ द इमेज, सो आई गिव हियर द हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ 150 पिक्सल मैं दे देता हूँ, ठीक है, क्लोज करेंगे। अब विथ देंगे, विथ यानी चौड़ाई, तो विथ इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी विथ है इसकी विथ दे देंगे। जैसे विथ मैं रखना चाहता हूँ 250, तो यहाँ मैं 250 लिख देता हूँ, ठीक है। 250 लिखने के बाद इसको भी कर दीजिए क्लोज यहाँ से, ठीक है। और क्लोज करने के बाद अब आप इसको जिधर भी चाहे मूव करा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे रखिए और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मार्क्यू टैग। आपको मालूम है कि मार्क्यू क्यों यूज़ होता है, मार्क्यू यूज़ होता है मूव कराने के लिए पिक्चर को। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन, किधर की तरफ ये मूव करेगा, तो ये जाएगा राइट की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ पे डबल इंटेड कोट्स में दे देता हूँ राइट, RIGST, ओके। यहाँ राइट देने के बाद इसको करिए क्लोज और नीचे आइए। और उसके बाद अब हमें क्या क्लोज करना है, इसके बाद हमें क्लोज करना है यहाँ पे राइट देना है, मार्क्यू डायरेक्शन लिखना है। तो यहाँ पे एक बार और फिर से लिख देता हूँ मैं, डायरेक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे राइट, RIGST, ओके। नाउ इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद यहाँ पे
मार्क्यू को क्लोज करना है। सबसे पहले जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले क्लोज होता है, HTML की यही खासियत है। तो यहाँ पे अब मार्क्यू टैग को मैंने कर दिया है क्लोज। अब क्या बचा हुआ है, बॉडी बचा है तो बॉडी को भी कर देते हैं क्लोज। ठीक है, बॉडी को क्लोज करने के बाद अब HTML को भी कर देना है क्लोज और इसको हमें सेव करना है। तो आइए इसको सेव करते हैं। तो सेव करते समय मैं इसे एक नाम दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोकेशन इसकी ढूंढेंगे कि इसको सेव कहाँ करना है। तो HTML नाम के एक फोल्डर हमने जो बनाया था जहाँ हमने इमेज रखी है अपनी GIF वाली, वहाँ पे इसको सेव करना है आपको। ठीक है, तो उसी फाइल में जाके हमें इसको सेव करना है। तो आइए उस फाइल में चलते हैं। सबसे पहले सेव एज पर क्लिक किया मैंने, नीचे आएंगे HTML में जाएंगे, HTML वाला फोल्डर इसमें हमें तलाश करना है कहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले HTML पे क्लिक किया हमने, इसको L और यहाँ आपको करना है .html। ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए और .html एक्सटेंशन के साथ इसको सेव कीजिए। ठीक है, इसको सेव कर दिया हमने। आइए देखते हैं, यहाँ पे ये रह गया है, इसको अंदर करते हैं। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर रखना है आपको, ध्यान देना है ये। ठीक है, अब यहाँ पर इसको राइट क्लिक करूँगा मैं, नोटपैड प्लस प्लस पे इसे ओपन करना है आपको। इसको मतलब कोडिंग जो करनी है नोटपैड प्लस प्लस पे होगी आपकी, और इसको अब ब्राउज़र पे रन कराना है। तो यहाँ से ब्राउज़र पे रन कराइए, आपके पास गूगल क्रोम है क्रोम पे रन कराइए, आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है उस पे रन कराइए। ये देखिए ये कैसे, ये जो बर्ड है ये कैसे मूव कर रही है आप देख सकते हैं HTML में। अब इसकी साइज़ को अगर आपको इंक्रीज़ करना हो तो कैसे इंक्रीज़ करेंगे, आइए देख लेते हैं। वो भी बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ पे साइज को इंक्रीज करना है, हमारा प्रोग्राम है इसको हमें सही करना है। और यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं साइज बढ़ी या नहीं, यहाँ पे अभी साइज इंक्रीज नहीं हुई है। यहाँ देखिए 550 और यहाँ पर भी हम कर देते हैं 550। ठीक है, 550 पिक्सल साइज रखनी है आपको, ये ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ से आप कर दीजिए इसको सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे करवाइए रन और देखिए ये जादू किस प्रकार से ये इमेज बड़ी हो जाएगी और मूव भी करेगी, आप देख सकते हैं इसको। सो आई होप कि ये बर्ड वाली एनिमेशन आपको समझ में आई होगी। और ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये फ्री में अन्य लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।